जनाब मेरे सज्जनों मित्रों ते बेलियो, अज मेरा छोटा पुत्र जी जिहड़ा मेडिकल स्टूडेंट है, थर्ड ईयर फोर्थ फोर्थ ईयर हो गया, हाँ जी हाँ जी पढ़ रहा है, एज ए डॉक्टर बन रहा है, मेडिसिन का स्टूडेंट है। ते मैं इन्हें एक नसीहत कर रहा सा, मैं कह रहा सा, देख यार बेटे, जिंदगी दी बहारां गुजर गई ने, अगो भी लंघ जानियां ने, ते जेडे माँ प्यो बच्चों नु सिखांदे ने ना, तो बच्चे सीखते नहीं, बच्चे वो करते हैं जेडे माँ प्यो करते होंगे ने। तो तुसी बच्चों नु एवं ठोस देना उस गल्ला, बच्चे इंज नहीं सीखते, बच्चे इंज सीखते ने तुहाडे अमल नु वेंदे आ, तो तुहाडा जिहड़ा अमल है वह बच्चे सीखते हैं। जिहड़ा तुसी थ्यूरी रट्टा लवाई जाते तो रट्टे ना कोई फर्क नहीं पैंदा, रट्टा इज यूजलैस। आप बच्चों को अगर चाहते हैं कि बच्चे वो काम करन जिहड़ा तुसी चाहते हो, तो तुसी भी वो काम करो। और सब तो इंपोर्टेंट गल है वे कि कुछ जिहड़े बच्चे ने या कुछ जिहड़े वालदैन ने, कुछ यंग जनरेशन ने, वो जिहड़ा ना प्रायोरिटी उन्हें दूजियां सैट कीतियां होंदियां ने, ते पैसा पैसा दौलत कमा लो, कहिंदे ना असीं कमा लईए, पैसे पिछे घला देने आ, ते की मिलेगा फैमिली नूं ना, वो जिहड़े ना कर देने कॉम्प्रोमाइज़ कर देने, ते मुलाकात नहीं करते माँ प्यो दी जिहड़ी जिंदगी। तो मैं पिछले एक वीडियो च दस्सिया सी कि उन्हां नूं गेयर चौथा लग गया होया है, ते तुहाडे माँ प्यो दा चौथा गेयर गड्डी दा चल गया होया है, ओहदे बाद टेक ऑफ ही हुंदा सिद्धा जाना, ते कदी कदी तुसीं आउंदे हो तो मिलदे नहीं, ते कदी मिल भी जांदे ने माँ प्यो, कदी कदी ओह कबरां नूं फिर तुसीं सलामी देण जांदे हो। मेरा कहना है वे कि औलाद वास्ते, जिवें मेरा मुंडा जवान है, कि तुसीं तुहाडा जो सब तो खूबसूरत माँ प्यो नूं सरमाया चाहुंदा तुहाडा वक्त, पैसा नहीं, दौलत नहीं, वो तुहाडी दौलत वेख के खुश हुंदे ने। अगर तुसीं उहनां दी करदे हो खिदमत, अच्छी गल, कहिंदे तुसीं बड़े अमीर हो, तुसीं माँ प्यो वास्ते एक नर्सिंग एड रख दित्ती है, तुहाडे हेल्प करदे हो, टिप शाप कर, लेकिन जिहड़ा तुसीं अपने हाथ नाल उहनूं साफ करदे हो, उहनां दी तेमादारी करदे हो, उहदी ते गल ही कुझ होर हो, ब्लैसिंग उह लैदा ने। ते तुसीं चाहुंदे हो ना अपने माँ बाप दी खिदमत करना, ते पैसा ना खिलाओ, खुद जाए या पैसा दे दिया जी, मैंने अपने बाप के लिए अपनी माँ के लिए एक 24 आवर नर्स रखी हुई है, नहीं। इसी से मैं भी एक ऐड करता हूँ बात। अभी मैं वेकेशंस पे आ रहा था तो मेरी दोस्तों में बात होती, तो कहते कि ये बात तू हर छुट्टियों पे यू वेंट बैक, व्हाई भाई क्या मसला है उधर? तो आई जस्ट टोल्ड देम कि मसला कोई नहीं है, कहते कि आप अपना जिस कंट्री में आपका स्टे उसको एक्सप्लोर क्यों नहीं करते हो? मैंने उन्हें बड़ी, मैंने कहा देखो योर माई पेरेंट्स आर लाइक 50 अबव, माँ बाप का पता नहीं है, जिंदगी का कुछ पता नहीं है, वो जिंदा रहे कि ना रहे, बाद में फिर हम रोते रहे जी ओहो मैं टाइम नहीं गुजार पाया उनके साथ, चाइना या दूसरी दुनिया तो मैं घूमता ही रहूंगा, मेरी जिंदगी लंबी पड़ी है, माँ बाप कुछ पता नहीं है। जब आपको छुट्टी मिलती है, जब आपको टाइम है, घर जाओ, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो। और जो बेटा फैमिली का बात करें, जो घर में मौजूद भी बच्चे होते हैं उनको शायद एहसास ही नहीं होता कि उनके माँ बाप अकेले हैं। हाँ बिल्कुल, और वो कहते हैं कि माम तो माँ बाप को खाना देते हैं साथ साथ, लेकिन बेसिक के लिए माँ बाप को, सॉरी आपकी बात करें, माँ बाप को टाइम चाहिए, आपकी सिर्फ दौलत नहीं, सिर्फ माँ बाप को ही नहीं, जैसे आपकी फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में फैमिली है तो आपको बच्चों को भी टाइम देना है, वाइफ को भी टाइम देना है, पेरेंट्स को भी, लाइफ को बैलेंस करना है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फायदा क्या, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर के मुल्क में जॉब कर रहा हूँ, बस मैंने कहा अच्छा बच्चा मैं आपको पैसे भेजता जा रहा हूँ आप पीछे, तो एक टाइम आएगा बच्चे मुझे कहेंगे आप आओ ना आओ मैं घंटा फ्रिज नहीं। तो शॉर्ट स्टोरी है कि आप एटीएम मशीन ना बने, अपनी फैमिली को टाइम दें, बल्कि आप फिजिकली अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली को टाइम दें। एग्जैक्टली, और एक ना एक अच्छा जो जो है ना वक्त खानदान के साथ गुजारें, क्योंकि माँ बाप बड़ी एक प्रीशियस सी आपके पास एक गिफ्ट है,
ये इन्होंने चले जाना है, जब ये चले जाएंगे फिर फायदा नहीं, आप कब्र पे जाके रोगे। ओ हो और अब आप मेरी पंजाबी दी एक शायरी है कि मापे चीजन मोल खजाना है, ये नहीं लबने फिर जमाना, जे जे तू आप चाहना है बरकत पाना ते इज्जत तमीज ना बोल जवाना। एग्जैक्टली मापे चीजन मोल खजाना। सो जनाब हैव अ नाइस गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।